ना कैसे होगा? जाहिर अगर आप कहते हैं कि आयशा ये करो, तो आयशा कहती नहीं कर दी, नहीं, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, आयशा को कैसे बनाना है? आयशा इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर ये या तो कुछ डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे या डॉलर्स रोकने पड़ेंगे। अच्छा, अभी डॉलर्स आ रहे हैं ना, 3 बिलियन, 6 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, कोई IMF से आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा है, ठीक है ना। फिर वो FATF भी ऊपर आपके वो लगा हुआ है, तो पेचकस वो भी टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं या रोके जा सकते हैं। हिंदुस्तान जिसकी 1,300 करोड़ आबादी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके सामने एक नई YouTube वीडियो के साथ। गाइज, अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो की मेन भाग पर पहुंचे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे आने वाली वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में अंतिम भाग। वज़ीर ख़ारिजा अमरीका के, उन्होंने ये कहा है कि अमरीका के मुस्तकबिल में पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होने चाहिए, इसकी नोयत क्या होना चाहिए, आने वाले हफ़्तों में इसका जायज़ा लेंगे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आने वाले वक्त में इसका जायज़ा किस बुनियाद पर लेंगे। सेठी साहब, देखिए, बहुत अहम स्टेटमेंट है और इस थोड़ा गौर से इसको सुनना चाहिए। वो ये चार बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पहला रवैया रहा है 20 साल जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, उस पर वो तबसरा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी वक्त हमारे साथ थे, किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ काम करता रहा पाकिस्तान, इसका हम अब सही तरीके से जायज़ा लेंगे। तो जाहिर है बात तो वही है ना, हमारे ख़िलाफ़ क्या करता रहा। तो ये इशारा है कि हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं या कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं इसको। दूसरी बात यह है कि आगे वो ये कहते हैं कि तब हमने ये भी देखना है कि आगे अब पाकिस्तान का हमारे मुताबिक क्या रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान खुद रोल क्या अदा करेगा, हमारे मफाद के अंदर हम जो चाहेंगे क्या वो क्या रोल पाकिस्तान को हम कहेंगे कि ये रोल आप अदा करें। डू मोर, दोबारा डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा है कि डू दिस। डू मोर तो ये ना कि जो आप कर रहे हैं और करें, अब ये होगा डू दिस एंड नॉट दिस, ये करें ये ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि फिर हमें पाकिस्तान को मनवाना कैसे होगा। जाहिर अगर आप कहते हैं कि आयशा ये करो, तो आयशा कहती नहीं कर दी, नहीं, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, आयशा को कैसे बनाना है? आयशा इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर ये या तो कुछ डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे या डॉलर्स रोकने पड़ेंगे। अच्छा, अभी डॉलर्स आ रहे हैं ना, 3 बिलियन, 6 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, कोई IMF से आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा है, ठीक है ना। फिर वो FATF भी ऊपर आपके वो लगा हुआ है, पेचकस वो भी टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है, डॉलर्स आ सकते हैं या रोके जा सकते हैं आप सब। इसी तरीके के साथ EU आपके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल सकती है। आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले हुए हैं ना, GSP+, तो वो भी वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फिर अगर हमारी बात नहीं मानता पाकिस्तान तो मनवाना कैसे, या धमकी दो या सैंक्शन करो या पैसे दो। तो उन कहते हैं हम इस पर भी हम गौर करेंगे कि इसका मतलब है उन्हें खर्चा है कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, या पाकिस्तान हार्ड डील करेगा, मतलब है कि बात मान लेगा मगर काफी कुछ हार्ड डील ही किया अभी तक। सेठी साहब, अभी आपको पता है रूसी सदर का फोन आ गया वजीर आजम का, अमरीकी सदर का नहीं आया, आपने जो कहा था। तो अब बात यह है कि इससे ये पता चलता है कि अमरीकी सदर ने क्यों नहीं फोन किया, क्योंकि ब्लिंकन ऑलरेडी आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, गाजर भी दिखा रहा है और सोटी भी दिखा रहा है, कैरेट एंड स्टिक। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसीलिए कि जब बाइडन का फोन आएगा तो या तो बाइडन धमकी दे या प्यार मोहब्बत की बात करे। अब धमकी तो उन्होंने दिलवा दी है ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है उसी वक्त आपसे बात करेगा या सलाम दुआ लेगा जब उसे ये एहसास होगा इस बात का कि आप कुछ बात उनकी मान गए हैं, आप रजामंद हो गए, आप कुछ हद तक आपने कबूल है कह दिया, कुछ है दिया है कबूल है। तो अब ये सीधे निकाह कर लिया ऐसे ही। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। अब आपने कहा था कि कुरैशी साहब ने कुछ बयान दिया है, जी कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अबैंडन नहीं करें आप अफगानिस्तान को, इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई हम तब उनके अकाउंट जो हैं वो
मुंजमिन कर दिए थे, तो हम तब उनको डिफ्रीज कर देंगे कि आप ज़रा अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें, वहाँ क्या माहौल है। तो वो कह रहे हैं ऐसे नहीं करें, वहाँ ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है और एक टूटा फूटा सा मुल्क है। तो वो ये अपील करते दिखाई दे रहे हैं उनसे। हमारा फिर ये मौका हुआ कि पहले हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करें, उनको इमदाद दें, उनके फंड्स जो हैं उसको अनफ्रीज करें, फिर जब वो रजामंद हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो आपका जो डिमांड है कि ह्यूमन राइट्स और ये, वो फिर वो उसकी तरफ तवज्जो देंगे, आप उनको रिकग्नाइज कर लें ताकि मामला आगे चले, धमकी उनको मत दें। ये शाह महमूद साहब का फार्मूला है, सिफारिश कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं। उधर से ब्लिंकन कह रहा है कि तालिब और सारे यूरोपियंस ये कह रहे हैं कि पहले वो हमारे एजेंडे के ऊपर काम करें, फिर जाके हम फंड्स रिलीज करेंगे, फिर हम जाके इनको सपोर्ट करेंगे। तो आपके ख्याल में क्या ठीक तर्ज अमल है, हम जो कह रहे हैं वो ठीक है या वो जो कह रहे हैं वो ठीक है? ये ठीक की बात नहीं है, सियासत के अंदर ये ठीक क्या, किसके लिए क्या ठीक है, हमारे लिए शायद ये ठीक है, उनके लिए वो उनका ये ख्याल है, ये उनके लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब देखना ये है कि पावर किसके पास है, होता क्या है, कौन क्यों करता क्या, और उसमें हमें तो इसके शक नहीं होना चाहिए कि हमारे सारा जो रोज़ी है, हमारी उठक बैठक रोज़ी जो है वो सारी वेस्ट के साथ लगी हुई है, चाइना के साथ नहीं लगी हुई, वेस्ट के साथ लगी हुई है। हो सकता है 20-30 साल के अंदर हम वहाँ से हट जाएं और इधर चल पड़े, कोई और रास्ता निकले, मगर अभी तक तो हमारी मईशत जो है वो इस पार्ट ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सरमायादारी जो है ग्लोबल, उसके साथ उसकी जुड़े हुए हैं, मुंसलिक है। अच्छा, अब बात आई कि फिर हम क्या करेंगे। ज़ाहिर है हमने तो ऑलरेडी कह दिया है कि जी पहले आप वो करें, फिर तालिबान ये करेंगे। वो कहते हैं पहले तालिबान ये करें तो फिर हम ये करेंगे। अभी हुआ ये है कि कुछ हद तक चाइना ने ये बात जो है ना बर्फ दिए, तोड़ दिए। चाइना ने क्या कहा कि जी उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है और उन्होंने भिजवाई भी है, उन्होंने कोई मेरा ख्याल है $30 million या $50 million जो है वो दिए। अमरीका ने भी कोई $60 million सेंक्शन कर दिए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए। यूरोप ने और बाकी इंटरनेशनल फाइनेंस एजेंसीज ने ये तय पाया है वहाँ उनके दरमियान कि $1.1 billion जो कि कोई 1700 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, ये हम इमदाद फौरी तौर पे हम करने के लिए तैयार हैं ताकि वहाँ कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना हो। वहाँ तो अब भूख से लोग मरने वाले हैं, अभी जो हालात होने वाले हैं, वो कोई इम्पोर्ट नहीं कर सकते, लोगों के पैसे देने हैं, सब कुछ बंद पड़ा है और पैसे नहीं। अनसर्टेनिटी ज़ाहिर है, गैर यकीनी सूरत हाल है, तो वहाँ पर क्या बनेगा? गैर, वो तो अलग बात है, गैर सियासी या गैर यकीनी बात है, वहाँ तो रोटी पानी के लिए पैसे नहीं है हुकूमत के पास। मगर जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि $1.1 billion आयशा सेंक्शन हुआ है, जिसमें से सिर्फ $100 million के करीब या उसका 10% हिस्सा अभी तक ओके हुआ है, बाकी हवा में घूम रहा है। और वो हवा में इसलिए घूम रहा है क्योंकि अभी तक वो कह रहे हैं कि तालिबान ने जो हुकूमत बनाई है ये इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है, इसके साथ काम नहीं चलेगा, आप जो मर्ज़ी कह लें। फिर आपने जो पाबंदियां लगा दी हैं ख़वातीन के ऊपर और एजुकेशन इदारों के ऊपर, और फिर अभी प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन को भी बैन कर दिया उन्होंने। मेरा ये मौक़िफ़ है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो ढूँढ रहे हैं एक्सक्यूज़ कि हमने तालिबान की मदद नहीं करनी, हमें मौका चाहिए इनको गाली गलौज करने का और इनको अंडरमाइन करने का। अच्छा, और इसीलिए हम पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि हम चाहते हैं ऐसे ना हो, क्योंकि जब ऐसे होगा तो सारे का सारा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे आएगा, तालिबान पाकिस्तान को। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा पाकिस्तान के नजम सेठी को, हालांकि नजम सेठी उस तरीके के न्यूट्रल नहीं रह गए। आपको पता होगा नजम सेठी के पुराने जो इंटरव्यूज़ आप देखते होंगे जिसमें ये भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर भी डिस्कशन करते हैं और क्लियरली बोल देते हैं कि पाकिस्तान सारे युद्ध हारा है। तो आपको पता होगा ये पास्ट में काफ़ी बोल्ड पत्रकार रहे हैं, लेकिन अब इनको पता है कि ये पाकिस्तान में रहना है तो इस तरीके की बोल्डनेस वाली जो पत्रकारिता है वो नहीं चलेगी। तो अब ये थोड़ा थोड़ा रिलैक्स लेकर यहाँ वहाँ की बातें घुमाकर सच बोलते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो अमेरिका एक्शन लेने वाला है, अमेरिका ने डिसाइड किया है कि अमेरिका जो पाकिस्तान ने डबल गेम खेला है, तालिबान का भी साथ दिया है, अमेरिका का भी साथ दिया है, और आखिरी में ये तालिबान के सपोर्टर निकले और अमेरिका से पैसे लेते रहे और दोनों साइड से खेलते रहे। मतलब खेलने का मतलब ये है कि दोनों साइड से आप कैसे हो सकते हो, अगर आप युद्ध लड़ रहे हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो अमेरिका के वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और साथ में टेररिस्ट के साथ भी हो आप, तो फिर ये आप न्यूट्रल कैसे रह सकते हो? तो अमेरिका
ये सब चीज़ें देखेगा और एनालिसिस करेगा इसका कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल रहा है। हालांकि अमेरिका को सब कुछ पता है, अभी भी शायद अमेरिका पाकिस्तान से कुछ ना कुछ निकलवाना चाहता है और डॉलर फेंकेगा और कुछ ना कुछ करवाना चाहता है, इस वजह से कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। अगर एक्शन लेता है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अमेरिका को एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से मतलब पाकिस्तान का रोल रहा है, पाकिस्तान ने केवल दोनों साइड से पैसे कमाए हैं, हथियार भी बेचे हैं तालिबान को और यहाँ से पैसे लेकर उनको मरवाया भी है। तो दोस्तों ये एक्शन हो क्या सकते हैं, आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ये एक्शन, ये FATF जो है वो वर्ल्ड बैंक से जो फंडिंग आती है पाकिस्तान को, लोन वगैरह मिलता है, भीख मिलती है वो, और जो ईरान पर सेंसर्स लगे थे उस तरीके के कुछ एक्शन पाकिस्तान पर हो सकते हैं। इस एक्शन से होगा क्या? होगा ये, पाकिस्तान की इकोनॉमी होगी ठप, पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ व्यापार होंगे ठप। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा व्यापार अमेरिका के साथ ही होता है। पाकिस्तान इस भूल में है कि चाइना उसको सपोर्ट करेगा। चाइना, आपको बता दूं, किसी भी तरीके से इस तरीके का सपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरीके का अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ किया है। और पाकिस्तान के जितने लोग हैं उनका सबका, मतलब ज़्यादातर जो अगर बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, रहना है, सब कुछ है इनका वेस्ट कंट्रीज़ की ओर ही है, चाइना की तरफ नहीं है। तो अगर अमेरिका एक्शन लेता है तो पाकिस्तान को तगड़ी तगड़ी चोट लगेगी और वो चोट लगनी चाहिए। शायद ये उससे सुधर जाए, शायद ये टेररिज्म वगैरह को सपोर्ट करना बंद कर दें, नहीं तो ये अगर इनको फ्री हैंड मिल गया वहाँ से, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो इनको एक मतलब एक रिलीफ मिल जाएगा कि अब यहाँ से हमें कोई टेंशन नहीं है बॉर्डर पे, तो ये लोग पूरा फोकस, अमेरिका भी भाग गया है, पूरा फोकस करेंगे इंडिया के कश्मीर पर और ये कश्मीर को लेकर ये काफ़ी जिहाद फैलाएंगे। तो ये एक हमारे लिए चिंता की बात है और हमें इस पर मतलब कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।